8 से ज्यादा मुल्कों ने एससीओ में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच थी उसको डिस्कस किया है एट द यूएन प्लेटफॉर्म कि देखें भारत के वजीर आजम ने ये बात की, देखें कटी नहीं है वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है। सबसे पहली बात ये है कि ये लोग गलत नहीं है, हम लोग गलत हैं क्योंकि इंडिया की, देखिए इमरान खान के हर किसी को करनी चाहिए क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वाकई में बहुत अच्छी है, जो सच है उनकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने तो वैक्सीन बना लिया, हम क्या करते हैं, पाकिस्तानी लोग क्या करते रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। हमने गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ इंडिया लेड बाय हिज एक्सीलेंसी श्री नरेंद्र मोदी एंड इनडीड आवर फ्रेंड डॉक्टर जयशंकर। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अगर आप देखेंगे वाशिंगटन के अंदर जो उन्होंने बात की कि उन्होंने कश्मीर 12 दफा ज्यादा दफा जिक्र किया, इंडिया 9 दफा ज्यादा जिक्र किया, अफगानिस्तान 9 दफा ज्यादा जिक्र किया, एज ए सारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। भाई पाकिस्तान को पता ही नहीं ब्रॉडर साउथ एशिया में क्या हो रहा है, इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है, सेंट्रल एशिया के साथ क्या करना है। वो वही अपनी पुरानी जो 75 साल पुरानी कहानी है, आप 75 साल के माइंड सेट से हम निकल ही नहीं रहे, ना लीडरशिप निकली ना वहां निकल रही है। आप देखें ना उसको डॉक्टर जयशंकर की स्पीच का जो पढ़े नजर आपको पता चले कि भाई वो क्या बातें कर रहा था, वो तो ग्लोबल वो तो लेवल की कहानी सुना रहा है। और दुनिया के तकरीबन 8 मुल्कों ने, मैं देख रहा था 8 मुल्कों ने, क्योंकि दिस इज माय जॉब टू लुक एट थिंग्स, 8 से ज्यादा मुल्कों ने एससीओ में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच थी उसको डिस्कस किया है एट द यूएन प्लेटफॉर्म कि देखें भारत के वजीर आजम ने ये बात की, देखें भारत के वजीर आजम ने ये बात की। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी 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 सिग्निफिकेंट। इमीडिएटली जो स्ट्राइक होता है ऐसा लगता है कि वो दोनों डिफरेंट प्लैनेट्स में बैठे हुए हैं। जिस दुनिया के बारे में जयशंकर बात कर रहे हैं वो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है जिस दुनिया के बारे में शहबाज शरीफ। तो फॉर एग्जांपल आप अगर देखेंगे सिवाय टेररिज्म के रेफरेंस को और कुछ कॉमन ही नहीं था दोनों की बातों में। दैट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग पॉइंट कि यू कैन सी के एजेंडा कितना बदल गया। और मुझे बड़ी शिकायत है कि जयशंकर साहब ने ना आपका नाम लिया, ना मेरा नाम लिया, ना पाकिस्तान का नाम लिया अपनी तकरीर में। ही डिडंट टॉक अबाउट दीज इश्यू। 2-3 साल पुरानी वो स्पीच लेकर आ गए, वही कश्मीर का मसला, फिर वही इंडिया के खिलाफ, और फिर वही फलस्तीन का मसला, और देन ही एंड्स। तो बेसिकली ही टुक टू शॉट्स एट इंडिया इन द सेकंड पार्ट ऑफ द स्पीच, पहला कश्मीर को लेकर, फिर दूसरा फिर इंडियन मुस्लिम्स को लेकर। तो पिछले जो 4 मेजर आइटम्स थी उनकी सेकेंड स्पीच में ऐसा लग रहा था कि ही वाज एडवोकेटिंग मोर फॉर कश्मीरी, एडवोकेटिंग फॉर इंडियन मुस्लिम्स, एडवोकेटिंग फॉर अफगानिस्तान और पैलेस्टीन। अगर आप जयशंकर के कमेंट्स अगर अफगानिस्तान के बारे में आप कॉन्ट्रास्ट करें तो ही स्पोक वेरी ब्रीफली कि हमने इतने हजार टन उनको गेहूं दिए, हमने इतने हजार उनको वैक्सीन दिए टू हेल्प अफगानिस्तान, वेरएज यहाँ पे एडवोकेसी कर रहे हैं। इनफैक्ट जब पैसों की बात की उन्होंने स्पेसिफिक नंबर सिर्फ अफगानिस्तान के तालुक से दिया, कुछ 4.2 बिलियन उन्होंने अफगानिस्तान के लिए मांगे हैं। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट क्यों करते हैं, क्योंकि इंडिया की, देखिए इमरान खान के हर किसी को करनी चाहिए क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वाकई में बहुत अच्छी है, जो सच है उनकी तारीफ करनी चाहिए। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग, हमारी होगी नहीं, आजकल हर कोई एक दूसरे के दुश्मन यहाँ बने हुए हैं, कोई इसे पीठ पीछे कुछ और तो मुंह में कुछ और, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इंसानियत खत्म हो गई है बोलूं।